इंडिया इंग्लैंड की सीरीज शुरू हो रही थी उससे पहले कह रहे थे कि इंडिया का पलड़ा भारी है और मुझे लगता है अभी भी सीरीज जीतेगी इंडिया, मतलब अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। और मेरा प्रेडिक्शन था 4-0 या 4-1, मुझे जाके देखना पड़ेगा स्टार स्पोर्ट्स में मैंने क्या कहा था। हाँ अच्छा आपको याद है, अच्छा ठीक है, तो देखो एक मैच एक हो गया, आप 4-0 जीत सकते हैं। अभी मैच खत्म नहीं हुआ, अभी सीरीज खत्म नहीं हुआ, अच्छी टीम है इंग्लैंड की, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपनी टीम मैं बहुत शॉक हूँ क्योंकि मैं फ्लाइट ले रहा था, मैं कलकत्ता जा रहा था और उससे पहले मुझे ये था कि 200 रन बनाने जब तक लैंड हुआ तब तक हम हार गए थे, तो ज़रूर मैं शॉक के मोमेंट में था, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि हम वापसी करेंगे। मैं रिटायर हो गया भाई, एक एक करके अगर सवाल देखिए, सबसे पहले तो टीम में आना वो जरूरी था किसी भी खिलाड़ी के लिए जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, तो सरफराज ने परफॉर्म किया, बहुत साल सबर किया और बहुत बहुत आगे जाके उनके बारे में बातें होगी कि किस तरह से उन्होंने मेहनत करके अपनी जगह बनाई है और उनके फैमिली की कमाल की कहानी है। पहला स्टेज तो हो गया है कि टीम में आ गए। अब देखिए टीम कॉम्बिनेशन की जो प्लेइंग 11 की बात रहती है ना, उसमें बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, मैंने पहले भी बात की है कि सीनियर खिलाड़ी का इंजर्ड होना, एक सबसे महान खिलाड़ी विराट कोहली उनका ना होना, उनकी अवेलेबिलिटी ना होनी, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, ये खिलाड़ी का ना होना, तो टीम मैनेजमेंट जो होती है ना तो वहाँ पे भी आपको एक तवज्जो देनी होती है कि हम किसकी तरफ जाएंगे, हम क्या नए खिलाड़ी को दे देंगे इंटरनेशनल क्रिकेट स्ट्रेट अवे या थोड़ा वक्त के साथ। तो कई बार ये डिसीजन आप तभी लेते हो, लड़के को देखते हैं आप नेट में किस तरह से बैटिंग कर रहा है, परफॉर्म तो कर रहा है लेकिन उस लेवल पे आके हमारे जो गेंदबाज है जो टीम है उनके सामने किस तरह से खेल रहा है, एटीट्यूड उसका कैसा है, तो बहुत सारे सवाल रहते हैं। यार ये हमारी मोहतरमा पे ना थोड़ा सा आप तवज्जो दीजिए, इनको परेशान मत करिए। बिल्कुल देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये दोनों लड़कों ने अभी पिछले कुछ समय से परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन ये भी नहीं है कि कभी परफॉर्म नहीं किया, ऐसा भी नहीं है। शुभमन गिल में हम एक अपना फ्यूचर स्टार देख रहे हैं जो बहुत सालों तक अच्छा क्रिकेट खेल सकता है, 100% प्रेशर है, लेकिन ये प्रेशर में देखिए कोयला हीरा तभी बनता है जब प्रेशर आता है, तो उम्मीद यही रहेगी कि इस प्रेशर को झेल के वो आगे बढ़े। और श्रेयस अय्यर भी मुझे लगता है कि उनके पास इंडियन पिचेस देखिए वो अच्छे कप्तान हैं, ज़रूर गलतियां की है ये पिछले टेस्ट मैच में जहां पे मैच थोड़ी जाने दिए, लेकिन उम्मीद ये रहेगी कि ऐसे एक्सपीरियंस कप्तान से जो बहुत एक अच्छा मजा हुआ कप्तान है वो वापसी करने के लिए वो सारी दाव पेच वो लड़ाए आने वाले मैचेस में जहां पे भारत सीरीज जीते। देखिए ये जो एशियन लेजेंड लीग जो होने वाला है उसमें सबसे पहले तो बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी खेलने की उम्मीद है, अभी वो टीम्स बनी नहीं है, अभी टीम्स बाकी है, अभी थोड़ी बहुत चीज़ें प्रोसेस में चल रही है, तो मुझे उम्मीद ये रहेगी कि सारे प्रोसेस जल्दी पूरे और एक अच्छी तगड़ी टीमें बने। लेकिन मेरी एक ही गुजारिश रहेगी, ये सारी जो लीग्स हो रही है जो पूरी दुनिया में रिटायर प्लेयर की लीग हो या अलग अलग लीग्स हो रही हैं, वो थोड़ी अपने कंधों पे जिम्मेदारी रखे ज़रूर, क्योंकि उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब वो अनाउंस करते हैं जो ऑर्गेनाइजर्स है खास करके उनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है उन प्लेयर्स की एक लीग को एक बड़ी ईमानदारी से चलाने की। ये दो खास चीज़ों पर ध्यान रखें, उन पर तवज्जो दीजिए और अगर वो देंगे तो फिर वो लीग जो है वो आगे जाके बहुत बेहतर कर सकते हैं। सर एक सवाल और, पुराने प्लेयर जब खेलते हैं तो अपनी एक फैन फॉलोइंग बनाते हैं, उनको देखना लोग पसंद करते हैं, दोबारा जब मैदान पे आएंगे तो क्या लगता है किस तरह का प्यार लोगों को? देखिए प्यार तो बड़ा मिलता है, मैंने जैसे कहा था कि हम लोग डीवाई पाटिल में मैच खेल रहे थे सचिन पाजी के साथ, खैर सचिन पाजी इसलिए वो ज्यादा क्राउड आना ही है, वो तो एक मुझे लगता है कि आज से 100 साल के बाद भी अगर वो खेलेंगे कहीं पे मतलब उनका नाम लिया जाएगा तो लोग बड़े प्यार से उनका नाम लेंगे और खड़े हो जाएंगे बड़े अदब से। तो
बड़ा प्यार मिलता है जब रिटायर प्लेयर खेलते हैं। दो सवालों के जवाब दूंगा आप, लेकिन आप ऐसे करेंगे तो सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। इरफान भाई, ट्रांजिशन के लिए परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया स्पिनर्स इन हैदराबाद, इट वाज नॉट अ डस्ट बोल पिच बट इट हैड प्लेंटी फॉर द स्पिनर्स व्हिच इंग्लैंड शोड इन देयर साइड। देखिए आखिरी में जब आप बल्लेबाजी करते हैं ना, जब आप इंडिया में लास्ट इनिंग होती है ना, तो वो जो स्पिनर्स है और ज़्यादा घातक हो जाते हैं, और हम टॉस जीते नहीं थे यू नो, तो फिर आखिर में बल्लेबाजी करना पड़ा हमें और तो मुश्किल काम आ गया। लेकिन ये जो अभी जो स्पिनर्स की बात कर रहे हैं हमारे, वो इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि हम पहला टेस्ट मैच हार गए। अभी यही हम जब सीरीज जीतेंगे ना आखिर में। और एक चीज़ जैसे उन्होंने जवाब, थैंक यू सो मच, थैंक यू।